अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। होने के बावजूद हम वो सपने क्यों देख रहे हैं जो कभी मुमकिन नहीं हो सकते। तुमने सारे सपने तोड़ दिए मेरे। नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा। तुम्हारी यादों के साथ जीना नहीं है मुझे, इसलिए एक नाइट तुम्हारी यादें सब कुछ अपने दिल से मिटा दूंगा। चौधरी साहब, जितना बंदूक असला आपको चाहिए परवेज को लिखवा दीजिए, हम भिजवा देंगे। चिंता का कोई बात नहीं है। ये सब आपको करने का कोई जरूरत नहीं है कुमुद, ये सब के लिए नौकर चाकर हैं। हम नौकरों का काम नहीं कर रहे हैं बाबू साहब, हम अपने पति का काम कर रहे हैं।
अपना पत्नी धन निभा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आजकल आप अपना पति धर्म नहीं निभा रहे। रहने दो को भूखा, भूखा ही हरकत की वजह से हम भी परेशान हो गए। आप हमसे ठीक से बात नहीं करते, आपका काम करना वो भी आपको पसंद नहीं है। हम सिर्फ आपके पति नहीं है कुमत, हम ही घर के मुखिया भी हैं। इसलिए घर का इज्जत और बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान हमारा जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी पूरा करने के लिए हमारे रास्ते में जौन आएगा हम उसको त्याग देंगे, आपको भी त्याग देंगे। आज तक आपका जिद और हमारा आपके लिए प्रेम हमारा हर फैसले के बीच में आता रहा है, लेकिन अभय नहीं, अभय ना आपका वो किन्नर औलाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको वहीं जाना पड़ेगा जहां उसको होना चाहिए। पर आप हमसे कहे थे कि अगर नमन सुनैना की जिंदगी से चला जाएगा तो सुनैना यहां आकर हमारे साथ रह सकती है। नमन राजकुमारी का लौंडा है और उसको सुनैना का सच मालूम है। आपको कोनो अंदाजा है कितना बड़ा खतरा है हमारे लिए? खैर आपसे क्या उम्मीद कर रखना कि आपको अंदाजा होगा। बात सिर्फ इतना है कि सुनैना मुंगेर में नहीं रह सकती, बस। ठीक है, अगर सुनैना मुंगेर में नहीं रह सकती तो हम उनको लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। हम पहले आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहाँ रहेंगी, आपका घर है ही, आप हमारी पत्नी हैं, आप यहाँ रहेंगी हमारे साथ। आपको अपना बेटी और अपना बेटी का मोह दोनों त्यागना होगा और अगर आप नहीं त्याग पाएंगी तो हम आपका मदद करेंगे त्यागने में, हम तोड़ेंगे ये मोह, देखिएगा आप। अरे भैया जी, अरे कहाँ रह के जल्दी आइए ना। आया है मैडम जी। हाँ मैडम जी आ गया। मैडम जी दूर 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 रखिए। मैडम जी हमारे पास सब तरह के जहरीले सांप हैं, बताइए कौन सा चाहिए। जो सबसे जहरीला वाला है ना वो ही दीजिए हमको। मैडम जी गोमन सांप सबसे जहरीला है, जिसे एक बार डर लगता ना वो सीधा उड़ जाता है। आप तो ठीक है, हमको यही दे दीजिए। जी जी हाँ, आप थाला में डाल दीजिए इसको। भैया जी ये हमको तो नहीं ना डसेगा। मैडम जी ये पोटली में बंदा है, लेकिन संभल के जाना। ये लीजिए। वन मिनट। ये लीजिए। मैडम जी एक बात बताइए, काम क्या है? भैया जी तुमको हम पैसा दिए है ना, अपना कहाँ से काम रखिए यार। जी अरे मैडम जी, मैडम जी गलती होगी, हम सपेरे हैं, बीन बजाना पैसा है, बीन बज गई गलती से। संभल के जाइएगा मैडम जी। आपको लगी तो नहीं। क्या हुआ चाची जी, क्या है ये? देखिए
का बैग। भूल गई तुम? भाई सब का बोले थे कि तुमको कोनो पूजा पाठ का सामान किचन का सामान को नहीं छूना है, अशुद्ध होता है। इसमें पूजा पाठ का सामग्री है। चाची जी, अगर हम भगवान जी के लिए अशुद्ध होते हैं ना तो वो हमें बनाते ही नहीं। हम दुनिया के लिए अछूत पर भगवान जी के लिए नहीं है। ओ सुनो, ये जो प्रवचन तुम हमको दे रही हो ना, ये जाके अपना किन्नर पलटन को जाके दो, भैया हमको ज्ञान सिखाने वाली। चाची जी इतनी घबराए हुए क्यों लग रही? सर बात कुछ और है। ठीक है, तुम नजर रखो, हम बाद में बताते हैं क्या करना है, है? और बउआ को पता नहीं चलना चाहिए। क्या बताना चले माँ? अरे बउआ, अरे बेटा, तुम सुने लिए हो तो हाँ छुपाना तुमसे, असल में कुछ दिनों से तुम्हारा मूड ठीक नहीं है ना, तो हम सोचे कि तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी रख देते, पर अब तुम सुन लिए तो काहे का सरप्राइज है? नहीं माँ, मेरा पार्टी करने का कोई मन नहीं है, बस मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि मैं कुछ दिनों के लिए पढ़ना चाह रहा हूँ। पटना? अचानक होगा? हाँ माँ, मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए आपका पटना वाला ऑफिस संभालूं, बोर हो गया हूँ, थोड़ा चेंज मिलेगा। भाई तो बहुत अच्छा सोचे हो तुम, मैं जाओ जाओ पटना जाओ, काम संभालो, लग जाओ काम पे। बउआ के जाने से पहले हमको एक काम करना होगा, बुझे? ऐसा क्या होगा उस झूले में? वही तो माँ, पता नहीं, पर ना चाची बहुत हड़बड़ाई हुई सी लग रही थी, और जैसे ही हमारी नजर उस बैग पर पड़ी ना, वो घबरा भी गई। अच्छा छोड़ो, तुम ना इन सब चीजों पर ध्यान मत दो, और किसी पे भी ना घर में भरोसा मत करो बिटिया, सिवाय अपने माँ के। कहे कि यहाँ तो सभी तुम्हारे दुश्मन है, और तेरी माँ ना बिटिया मरते दम तक तेरा साथ नहीं छोड़ेगी, कोई आंच नहीं आने देगी तुझ पर। पिताजी, आप ना उस किन्नर को ऐसा डसिएगा कि वो ना उसी का मुंह का बल गिरे, और ऐसा गिरे कि दोबारा कभी उठ ना सके वो। उनका साथ साथ गिरे बाबू साहेब का सत्ता और उनका सरकार। फिर उसके बाद जब हमारा राज्य स्थापित होगा ना, हमेशा पीछे से आगे कहीं ले डरा देती हो हमको, तो तुमको मम्मी इसमें वही है ना जो हम सोच रहे हैं? पंकजा, किन्नर का ना काल है ये पिटारा में, आज का रात किन्नर का जिंदगी का आखिरी रात होगा, फिर उसके बाद कुमुदीदी खुद ही हमारा रास्ता साफ करके निकलेंगे। कौन है बे? ए
कसमी रिसोर्ट के आसपास का सीसीटीवी फुटेज निकालने में हमको समय लग गया, वरना तुम कहो कब का थंडी पोछ लिए होते। तुमको कहा लगा था हमरे बेटे पर हमला करोगे और हम चुप बच जाएंगे? जानते नहीं हो वो कौन है? हम बताओ हमरे बेटे का सुपारी कौन दिया तुमको? हमें नहीं मालूम, हमको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, पैसे देने वाले से नहीं। जबान खोल रहे हो या भेजा हो रहा है तुम्हारा? बोल। ओ ओ हाँ, बढ़ रहा हूँ। गोली मत मारना। पटना जा रहा हूं, यहां से दूर जा। अरे पर कहां है यार, हम तो कुछ बोले भी नहीं है तुमको। ये शहर, यहां की हर एक चीज सिर्फ मुझे सुनैना की याद दिलाती। तो तुम सुनैना से भाग रहे हो? क्या होगा उससे, भूल जाएगा तू उसे? नमन हमें बीएफएफ बोलते थे, हर चीज पूछते थे, बताते थे, आज इतना बड़का बात तुम हमें नहीं बता पा रहे हो कि वो लड़की से काहे तुम इतना दूर भाग रहे हो, काहे उसे भुलाना चाह रहे हो जिस लड़की को तुम इतना प्यार करते थे। बस बुझाना चाहता हूँ, कोई नाता नहीं रखना उससे। अब ठान लिए हो तो करबे करोगे? जिद्दी तो तुम थे ही, लेकिन उसके साथ इमोशनल भी थे। लेकिन नमन एक बात याद रखना, अपनी जिद के चक्कर में सुनैना की जिंदगी न बर्बाद करना। सुनैना बहुत मासूम और पवित्र है यार, उसका एक बार दिल टूटा ना तो दोबारा जुड़ नहीं पाए। देखो तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया। जिस दिन से मुझे पता चला है ना कि तुम नहीं हो, उस दिन से मैं ही रहा। मर गया वो नमस्ते जो अपनी जिंदगी से मोहब्बत करता था, प्यार करता था, उससे प्यार करता था। जो जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन जो जख्म तुमने यहां दिए हैं, वो कभी नहीं भरेंगे। बहुत दर्द दिया नमन जी को, अब उन्हें हर दर्द से और इस रिश्ते से आजाद करके हमें उनकी जिंदगी से दूर जाना होगा। हमारी अमानत सुनैना को हमें सौंप दीजिए बाबू साहेब, हम उसे यहाँ से दूर ले जाएंगे बिना आपकी इज्जत को खरोच पहुंचाए। हम तो खुद ही पीछे छुड़ाना चाहते हैं, हमारा मतलब है अपना औलाद से, लेकिन उनका माँ के चलते ही संभव नहीं ना। हमारी कुमुद हमको कभी माफ नहीं करेगी। समझते हैं हम, अगर वो खुद चलकर हमारे पास आए तब उसे बढ़िया बात तो कौनो हो नहीं सकता। हम पे कौनो उंगली नहीं उठाएगा और वो अपना सही जगह पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तब हमें उससे अपना रिश्ता बनाना होगा और उसका विश्वास जीतना होगा।
और उसे इस बात से जागरूक करना होगा कि उसकी दुनिया वो नहीं, ये है। तब तक हमारा आवन जावन लगा रहेगा आपके घर पर बाबू साहब। मंजूर है हमको, लेकिन कौनों को पता नहीं चलना चाहिए काय कि हमारा इज्जत का सवाल है। आपकी इज्जत और अपनी अमानत पर आंच नहीं आने देंगे बाबू साहब, भरोसा रखिए। बढ़िया है। आईना रूप नहीं हकीकत भी दिखाए। दंगल प्ले ऐप पर।